अस्सलाम वालेकुम। बकरीद रेसिपीज में आज की रेसिपी है मसाला बोटी। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है ये, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। ऐसे ही मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए देखते रहिए चैनल कुक विद फेम। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लें। देखिए मसाला बोटी कितनी मजे की लग रही है। बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। इसे बनाना अब हम शुरू करते हैं। मसाला बोटी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए आधा किलो गोश्त। गोश्त के पीसेस थोड़े से बड़े ही काट लें। नेक्स्ट हम गोश्त के पीस को इस हैमर की मदद से, आप इसे मीट टेंडराइजर टूल भी कह सकते हैं या बीटर भी कह सकते हैं, इसकी मदद से देखिए इसे इस तरह से हल्का सा इस तरह से बीट कर लें। इसे इस तरह से बीट करने से क्या होता है, गोश्त हमारा जल्दी गल जाता है। ये एक टेंडराइजिंग टूल की तरह काम करता है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप बेलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई भी उड़न की चीज ले लें और इस तरह से बीट कर लें। ये मसाला बोटी बनाने से पहले सभी पीसेस को ऐसे ही हम बीट कर लेते हैं। देखिए गोश्त को तो मैंने अच्छे से बीट कर लिया है। नेक्स्ट हम इसको मैरिनेट कर लेते हैं। थोड़े इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है, देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले इसमें डालिए 3 टीस्पून धनिया पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट 3 टीस्पून, 1 टीस्पून हल्दी, 2 या 3 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर आपकी मर्जी, 4 से 5 टेबलस्पून दही, जीरा 1 टीस्पून, थोड़ा सा नमक, आधे नींबू का जूस, 2 या 3 टीस्पून कसूरी मेथी, 2 मीडियम साइज की प्याज को मैंने डीप फ्राई करके क्रश करके रख लिया है। देखिए इसे भी डाल दें। इसमें डालिए 2 टीस्पून स्पाइस पाउडर यानी गरम मसाला पाउडर। ये होममेड गरम मसाला पाउडर है। रेसिपी अगर आपको चाहिए तो टाइप करें गरम मसाला पाउडर बाय कुक विथ फेम, आपको रेसिपी मिल जाएगी। अगर आप नहीं बनाना चाहते या ना हो तो आप बाहर से भी यानी रेडीमेड बॉक्सेस में जो गरम मसाला पाउडर मिलता है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह घर में बना के डालने से बहुत मजे का बनता है, जो स्पाइसेस की बहुत अच्छी खुशबू आती है। नेक्स्ट इसमें डालिए 1 टीस्पून ड्राई पपाया पाउडर यानी सूखे पपाया का पाउडर। इसे किस तरह बनाते हैं इसका वीडियो भी मेरे चैनल में है, जस्ट टाइप करें ड्राई पपाया पाउडर बाय कुक विथ फेम। इसे डालने से गोश्त हमारा बहुत ही अच्छा गल जाता है। थोड़े से धनिया के पत्ते, 2 या 3 हरी मिर्च काट के डालिए। इन सभी को हम मिक्स कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले तेल भी डालना जरूरी है। तेल हमें चाहिए 1/2 कप। ये वही तेल है जिसमें मैंने प्याज फ्राई की थी। चलिए अब इसे मिक्स कर लें। इस तरह से मिक्स करने के बाद हम इसे 2 घंटों के लिए रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। आप चाहें तो इसे बाहर भी रख सकते हैं या रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हैं। ये मसाला बोटी बनाने के लिए हम बिना हड्डी का गोश्त ले रहे हैं। आप चाहें तो विथ बोन्स यानी हड्डी वाला गोश्त भी ले सकते हैं, लेकिन बिना हड्डी का बेहतर होगा, क्योंकि हमने इसमें रॉ पपाया पाउडर यानी कच्चे पपीते का पाउडर डाला है, इसीलिए मैरिनेशन जरूरी है एटलीस्ट 2 घंटे। आप चाहें तो पूरी रात भी रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, दूसरे दिन यह और भी ज्यादा मजे का और सॉफ्ट बनेगा, यानी गोश्त के पीसेस बहुत सॉफ्ट होंगे, आपके मुंह में घुल जाएंगे। लिड बंद कर दें और रख दें। ये जो बीटर है आपको ऑनलाइन आसानी से मिल जाएगा। 2 घंटे हो चुके हैं, गोश्त हमारा बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गया है, क्योंकि हमने इसमें कच्चे पपीते का पाउडर डाला है और इसे अच्छे से बीट किया है, तो गोश्त बहुत जल्दी गल जाएगा। प्रेशर कुकर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पैन में ये मैरिनेट किया हुआ गोश्त हम डाल देते हैं। ये मसाला बोटी की रेसिपी बहुत ही ज्यादा मजे की होती है और आप देख सकते हैं कितनी सिंपल भी है। जस्ट मैरिनेट करना है, उसके बाद पकाना है और कुछ डालने की जरूरत नहीं। फ्लेम को पहले हाई पे रखिए। हाई फ्लेम पे हम इसे थोड़ा सा भून लेते हैं 3 से 4 मिनट के लिए। इसे अच्छे से भूनने के बाद
हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, इस ग्लास से एक ग्लास डाल दें। फ्लेम को हाई पे ही रखिए, इसे मिक्स कर दें। जब ये अच्छे से पकना स्टार्ट हो जाए, फ्लेम को लो पे रख दें और इसके ऊपर लिड बंद कर दें। लिड बंद करके गोश्त कंप्लीटली गलने तक लो फ्लेम पे ऐसे ही हम इसे पकाएंगे। इसके लिए एक आधा घंटा लग सकता है। अगर आपको जल्दी है तो प्रेशर कुकर का भी यूज कर लें, प्रेशर कुकर में 15 मिनट में गल जाएगा। वीडियो के नीचे देखिए इस तरह से सब्सक्राइब रेड कलर में लिखा होगा, उसे प्रेस कर दें। जैसे ही आप प्रेस करेंगे देखिए एक बेल आइकॉन नजर आएगा, इसे भी प्रेस कर दें। जब आप इसे प्रेस करेंगे तो ऑल, पर्सनलाइज और नन, तीन ऑप्शन आएंगे, ऑल प्रेस कर दें। तभी आपको मेरे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलेंगे, वो भी फ्री। आधा घंटा हो चुका है, गोश्त हमारा गल गया है और देखिए कितना मजे का लग रहा है, बहुत ही ज्यादा मजे का होता है ये। इसे और थोड़ा सा ड्राई कर लेते हैं। आप चाहे तो इस तरह से ग्रेवी टाइप भी बना के खा सकते हैं। अगर आपको ड्राई चाहिए और थोड़ा सा, तो हाई फ्लेम पे थोड़ा पका लें। मसाला बोटी तो हमारी रेडी है, फ्लेम बंद कर देते हैं। आप लोग इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, बहुत इजी और बहुत यम्मी रेसिपी है ये। आप इसे रोटी के साथ खा सकते हैं या चावल के साथ खा सकते हैं, प्लेन राइस के साथ खाइए, बहुत ही ज्यादा मजे का होता है। फुलके के साथ, नान के साथ, हर चीज के साथ परफेक्ट है। देखिए मसाला बोटी कितनी मजे की लग रही है, कमेंट में जरूर बताएं आपको मेरी आज की ये सिंपल और इजी मसाला बोटी की रेसिपी कैसी लगी। बैचलर्स और बिगनर्स के लिए भी परफेक्ट है ये। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, लाइक करना ना भूलें। अस्सलामुअलैकुम।